अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैन अली टीवी। दोस्तों आज हम बात करें, ये सेट है सैमसंग का 40 इंच का सीरीज है। तो ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये इसका मदरबोर्ड है, ये इसका टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट क्या है कि इसकी बैकलाइट जो है वो ऑन नहीं हो रही, ठीक है। बैकलाइट इसकी ख़राब हो चुकी थी। ख़राब किस वजह से हुई, इसका जो ड्राइवर है ये ख़राब हो चुका है, इस बैकलाइट ड्राइवर। यहाँ पे वोल्टेज हाई वोल्टेज दे रहे हैं, तकरीबन 200 प्लस वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। 210 के लगभग यहाँ पे वोल्ट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बैकलाइट है वो ख़राब हो जाती है। तो बैकलाइट इसमें लगी हुई हैं, तीन लेंथ हैं, जिसमें तीन वोल्ट की जो है वो बैकलाइट है इसकी है। तो जब हम इसकी दूसरी मसलन जो इसकी बैकलाइट लेंथ इसकी ख़राब थी, उसकी जगह पे जब नई ऐड की है तो वो भी जल गई है, क्योंकि इसके यहाँ पे हाई वोल्टेज है, वोल्ट ज़्यादा मिल रहे हैं। बैकलाइट जो है वो तीन वोल्ट की बैकलाइट है, लेकिन वोल्ट यहाँ पे 210 के लगभग वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। तो इसलिए हम करेंगे क्या, हम इसका एक इसकी जगह पर एक ड्राइवर लगाएंगे, यूज़ करेंगे बैकलाइट ड्राइवर जो होता है। वो बैकलाइट ड्राइवर तो एक होता है जो इस खास इसके लिए LCD LED TV के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो मैं यहाँ पे एक ड्राइवर यूज़ करने लगा हूँ, वो आप देखेंगे कि ये ड्राइवर जो है ये आमतौर पे वो जो ड्राइवर होता है वो उसमें उसको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी तो वो ऑन हो जाता है, ठीक है। 12 वोल्ट उसमें इनपुट होती हैं और आउटपुट होते हैं, मुख्तलिफ आउटपुट होती हैं बैकलाइट के लिए, ठीक है। 100 प्लस तो बैकलाइट ड्राइवर, तो जो मैं बैकलाइट ड्राइवर इसमें यूज़ करने लगा हूँ, ये इसका बैकलाइट ड्राइवर मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आमतौर पे ये जो एक LED लाइट होती हैं, आम घरेलू यूज़ करते हैं, घर में यहाँ इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये 220 है, 220, और यहाँ पर आउटपुट हैं इसके 50 से तकरीबन 100 प्लस वोल्ट मिलते हैं, ठीक है। 100 प्लस है, 50 वोल्ट से 100 प्लस वोल्ट मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी आउटपुट है, आउटपुट जो है 50 से 100 से ऊपर वोल्ट जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे, इसकी जगह पे यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे कनेक्शन, और अब हम इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, को इसके लिए हमें एक रिले भी यूज़ करनी पड़ेगी, इसके साथ रिले भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये 220 है। तो जब हम 220 फ़र्ज करें, अगर हमने इसको डायरेक्ट 220 देते हैं, तो बैकलाइट जो LED है वो ऑन होने से पहले ही बैकलाइट ऑन हो जाएंगी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम करेंगे क्या कि यहाँ पे इसके जो है इसको एक रिले इस्तेमाल करेंगे, रिले जब स्विचिंग कराएगी, जब LED ऑन स्विचिंग होगी, यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेंगे इसको, 12 वोल्ट यहाँ पे आएंगे तो रिले ऑन होगी, रिले ऑन होगी तो फिर ये हमारा जो बैकलाइट ये ड्राइवर है ये भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये ऑन होगा तो हमारी बैकलाइट ऑन हो जाएंगी, ठीक है। तो बहरहाल चलो, हम सबसे पहले तो इसको ऐड करते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि किस तरह इसको हम ऐड करेंगे, आपके सामने होगा। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे एक रिले यूज़ करूँगा, रिले के साथ इसको टच करूँगा, इसके साथ यहाँ पे इसको कट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बैकलाइट इसकी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूँ, तो फिर दोबारा से मिलते हैं। तो जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने रिले भी लगा दिए। सबसे पहले मैं आपको रिले का बताता चलूँ कि ये रिले की नेगेटिव है और ये पॉजिटिव मैंने दी है टीकॉन से, ठीक है। 12 वोल्ट की सप्लाई है रिले के लिए, ये फ्यूज़ के ऊपर, ठीक है, आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट है, ठीक है। ये 12 वोल्ट मिल रहे हैं इस रिले को, ये नेगेटिव है, ये 12 वोल्ट की पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये AC वोल्ट है, ये स्विचिंग के लिए, ठीक है। तो इसके जो ये AC वोल्ट हैं, इसका एक पॉइंट ये है और दूसरा ये है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा एक डायरेक्ट है, ये वाले डायरेक्ट है, और ये एक पॉइंट AC पॉइंट एक यहाँ पे, यानी कि AC वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब ये 12 वोल्ट स्विचिंग कराता है तो रिले ऑन होती है, तो फिर यहाँ से आउटपुट निकलती है, ठीक है। तो आउटपुट 220 यहाँ पे जाती है। तो AC वोल्ट मैंने दिए हैं, एक कनेक्शन दिया इसको यहाँ पे फ्यूज़ से, और दूसरा यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो जब हम इसको आते हैं, ये इसकी बैकलाइट की मैं अपने दिखा सकता हूँ, ये इसकी बैकलाइट की, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो मैं अभी इसको पावर देने लगा हूँ,
ठीक है, पावर दे के चेक करते हैं। ये देख सकते हैं इंडिकेटर इसका ऑन हो चुका है, लेकिन सेट हमारा ऑन नहीं है। अभी मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ रिमोट से। ये ऑन हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं रिले ने क्लिक कराया और हमारी बैकलाइट ऑन हो चुकी है। ये इसका बैकलाइट ड्राइवर है, ठीक है, ये इसका ड्राइवर है। तो अगर हम यहाँ से इसको ऑफ करना चाहें तो इजीली आप भी कर सकते हैं। ये रिमोट ही वर्क करेगा यहाँ पे इसके। तो रिले का ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसको, क्योंकि ये ड्राइवर है 220 है, ठीक है, अगर तो 12 वोल्ट का है तो फिर तो इसको 220 देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो 12 वोल्ट की सप्लाई से फिर रिले के बगैर चल जाएगा, ठीक है। अगर 220 है तो फिर उसके लिए रिले हमें लाजमी यूज़ करना पड़ेगी, क्योंकि रिले के बगैर हमें, अगर फ़र्ज़ करें रिले नहीं है आप इस्तेमाल करते तो हमारी बैकलाइट ऑन रहेंगी, ठीक है। सेट हमारा ऑफ भी हो जाए, तो अभी मैं इसको ऑफ़ करने लगा हूँ। ये सेट हमारा ऑफ होगा, ये आप देख सकते हैं बैकलाइट इसकी ऑफ हो गई है। तो ये तरीका है इसका ड्राइवर यूज़ करने का, ठीक है, अगर 220 ड्राइवर है। अगर आपके पास ड्राइवर है 12 वोल्ट की सप्लाई है तो फिर तो डायरेक्ट आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ेगी, आपको रिले इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास ड्राइवर जो है 12 वोल्ट की सप्लाई का है, ठीक है, तो ये रिले मैंने यूज़ किया 220 के लिए, ये 220 के लिए लाजमी यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेट हमारा बिल्कुल, इसका बैकलाइट जो है इसकी अभी ऑन हो रही है, बिल्कुल ठीक है।